एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें मैं सुमित कुमार शर्मा आपको इतिहास विषय के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। हमने पीछे काफ़ी क्लासेज कर रखी हैं, अगर आपने वो क्लासेज अभी तक नहीं देखी हैं तो क्लासेज आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उनकी बाकायदा जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। इसके अतिरिक्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस कंटेंट का फ़ायदा मिल सके, लाभ वो भी इस कंटेंट का उठा सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी बात को। आज अपन वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे, वैदिक लिटरेचर के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि दो भागों में बटा हुआ है। वैदिक लिटरेचर जो है, वैदिक कल्चर जो है, वो दो भागों में बटा हुआ है। एक अपना है उत्तर वेद, एक है ऋग्वेदिक काल और दूसरा है अपना उत्तर वैदिक काल। अपना जो ऋग्वेदिक काल है वो 1520 से लेकर के 1020 तक का काल रहेगा, और जो अपना उत्तर वैदिक काल है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का काल अपना रहेगा। दो भागों में बांटा गया है, आपने देखा ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता के समय जो वैदिक साहित्य है उसकी रचना हुई थी। इस समय के जो लोग थे उनकी भाषा जो थी वो संस्कृत थी, इसीलिए इस समय के जो भी अपने को ग्रंथ मिलते हैं वो संस्कृत भाषा में ही मिलते हैं, जो भी जानकारियाँ मिलती हैं वो संस्कृत भाषा में मिलती हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा वैदिक सभ्यता के बारे में अपन जानते हैं, तो ये मुख्यतः जो है आर्यों द्वारा एक ग्रामीण सभ्यता विकसित की गई थी, उस सभ्यता को ही अपन ने क्या कह दिया, वैदिक सभ्यता कह दिया। किन के द्वारा विकसित की गई थी ये ग्रामीण सभ्यता, आर्यों के द्वारा, ठीक है। अब आर्य जो थे वो कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, इस बारे में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है, लेकिन जो सबसे ठीक और सटीक राय मानी जाती है वो मैक्स मूलर की मानी जाती है कि ये मध्य एशिया के रहने वाले लोग थे। कौन है आर्य, किस सभ्यता से संबंधित हैं, अपने वैदिक सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, अब देखिएगा ये सर्वप्रथम जो है सबसे पहले भारत में पंजाब और अफगानिस्तान में सिंधु के पास निवास किया करते थे। इनके जो अवशेष मिले हैं उनके अनुसार ये शुरुआती दौर में पंजाब के इलाके में और अफगानिस्तान के इलाके में जो अपनी सिंधु नदी है, कौन सी नदी, सिंधु नदी, इस सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में निवास किया करते थे, ठीक है। ये रहा वो स्थान, लगभग देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, जहां से इनकी उत्पत्ति हुई है। फिर भाषा की बात मैंने आपको बता ही दी कि इनकी भाषा जो थी वो संस्कृत भाषा मूल रूप से थी, ठीक है। बात करते हैं दो भागों में बांटे जाने के बाद जो पहला भाग है ऋग्वेदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक की बात है। उसके बारे में अपने थोड़ी सी जानकारी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है
उसके बारे में लेते हैं। पहली चीज आती है अपने राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो ऋग्वेदिक काल है वो पांच भागों में बंटा हुआ था, पांच इकाइयों में बंटा हुआ था। अलग अलग पांच प्रशासनिक इकाइयां थी। ये प्रशासनिक इकाइयां कौन कौन सी थी, इनके अध्यक्ष क्या कहलाते थे, या फिर इनके सभापति जो थे वो क्या कहलाते थे, इनके राजा क्या कहलाते थे, उस बारे में अपन बात करें तो सबसे जो निचला था, जो निचला स्तर था इन इकाइयों का, वो था कुल। क्या था? कुल, जो कि एक फैमिली का कुल होता है। इस बात के बारे में आप जानते हैं कि सभी फैमिलीज का कोई ना कोई कुल होता है, हर परिवार का एक कुल होता है, ठीक है। इस कुल का जो इस कुल की अध्यक्षता करता था उसे कुलपति या फिर कुलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलपति या कुलप कहा जाता था। इसके बाद कुल के बाद परिवार के बाद परिवार, बहुत सारे परिवारों को मिला करके क्या बनता है? ग्राम बनता है, गांव बनता है। क्या बनता है? गांव बनता है। और गांव का जो अध्यक्ष था, गांव का जो नेता था, उसे क्या कहा जाता था? ग्रामीणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामीणी, ठीक है। बहुत सारे गांवों को मिला करके क्या बनता था? बहुत सारे गांवों को मिला करके अपने यूं कह सकते हैं तहसील बना करती है। तो जो तहसील हुआ करती थी उसको क्या बोला करते थे? विश। ये बहुत सारे गांवों का समूह हुआ करता था। और विश जो है, विश की जो अध्यक्षता करता था, विश का जो मुखिया था उसे क्या कहा जाता था? विशपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विशपति कहा जाता था। विश के बाद में बहुत सारी जो तहसीलें होती हैं, बहुत सारे जो गांवों के समूह होते हैं, उन सबको मिला करके क्या बनता है? जिला बनता है। उस समय के जिले को क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। क्या? जन। और जन का जो मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था? राजन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजन। और बहुत सारे जिलों से मिलकर के क्या बनता है? अपना राज्य बनता है। बहुत सारे जिलों से मिलकर के क्या बनता है? राज्य बनता है। उसको क्या कहा जाता था? राष्ट्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राष्ट्र। और राष्ट्र का जो मुखिया होता था उसे क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था, जो कि वैदिक सभ्यता की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, ठीक है। क्या? राष्ट्र। और राष्ट्र का मुखिया क्या था? राजा था। और राजा क्या हो गई? सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई हो गई। पूरे राज्य को राजा ही संभाला करता था, ठीक है। अब प्रमुख अधिकारियों की बात अपन करते हैं। प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे, मेजर ऑफिसर्स कौन कौन थे। पहला आता है अपना धार्मिक अधिकारी, रिलीजियस ऑफिसर, जिसे उस समय क्या कहा जाता था? पुरोहित कहा जाता था। और ये पुरोहित जो है, ये यूं कह सकते हैं पुजारी, या फिर यूं कह सकते हैं ब्राह्मण हुआ करते थे। पुरोहित किसे कहा जाता था? मुख्यतः ये ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते थे। ये दो प्रकार के थे, एक रूढ़िवादी एक उदारवादी, ठीक है। बाद में बात आती है गुप्तचरों की, एक राज्य को ठीक ढंग से चलाने के लिए, दूसरे राज्य में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए, उसके उस राज्य के खिलाफ कोई षड्यंत्र चल रहा है या नहीं चल रहा है, उस राज्य के बारे में दूसरे राज्यों की क्या राय है, इन सब बातों को पता लगाने में जो महत्वपूर्ण इकाई होती है वो होती है गुप्तचर, जो कि उस राज्य में काम करते हैं लेकिन दूसरे राज्य में काम करते हैं, लेकिन काम किसके लिए करते हैं? जिस राज्य के लिए उन्हें काम पर छोड़ा जाता है, यानी अपने राज्य के लिए दूसरे राज्य में काम करते हैं गुप्तचर, जो कि बिना किसी को सूचित किए, बिना बिना किसी को पता चले उस राज्य की सभी खबरें जो हैं, सभी जो उस राज्य में घोषणाएं चल रही हैं या फिर जो भी सोच विचार चल रहा है, उन सभी योजनाओं का
पता लगाता है कौन है गुप्तचर, और वो अपने राज्य में आकर के बताता है। इस गुप्तचर को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? स्पर्श कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्पर्श। प्रश्न पूछा जा सकता है, स्पर्श किस इकाई को कहा जाता था? तो वो थी गुप्तचर। ठीक है, बाद में आती है दुर्गपति। एक दुर्ग हुआ करता है किसी भी राज्य में, संकटकालीन समय में या युद्ध की परिस्थितियां हो या फिर उस राज्य पर आक्रमण हो जाए, तो उस समय सभी जो मुख्य लोग होते हैं या फिर जो राज्य है वो दुर्ग में सुरक्षित होता है। राज्य का जो धन होता है वो सब कुछ दुर्ग में सुरक्षित रखा जाता है। और इस दुर्ग की जो रक्षा करता है, इस दुर्ग की जो अध्यक्षता करता है, इस दुर्ग में जो अपने आदेश चलाता है, उसको क्या कहा जाता है? दुर्गपति कहा जाता है। और इस दुर्गपति को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? इस दुर्गपति को वैदिक काल में पूरप कहा जाता था। क्या कहा जाता? पूरप। ठीक है, फिर आता है चारागाह है या गोचर भूमि का अधिकारी, जो कि एक सरकारी जमीन होती है। ठीक है, और ये इस पर कोई अपना स्वामित्व प्रदर्शित नहीं कर सकता, निजी ये चीज़ नहीं होती, ये सार्वजनिक भूमि होती है जिसमें गायें और अन्य पशु जो हैं वो अपना पेट भरते हैं। इस भूमि के रख रखाव और इसकी जिम्मेदारी की इस पर कोई अवैध कब्जा, अवैध अपना स्वामित्व न जमान ले, उन सभी बातों का ध्यान रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? वाजपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वाजपति। बाद में बात आती है पुलिस की, प्रशासन की। अपराधी को पकड़ने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? उग्र कहा जाता था। क्या कहा जाता? उग्र। ठीक है, उसके बाद बात आती है सूत, रथकार तथा कंबादी। इन सब की संख्या कितनी होती? इन सबको क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था। ये अन्य अधिकारी हुआ करते थे जिनको क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था। और इन अन्य अधिकारियों की संख्या कितनी हुआ करती है? हुआ करती थी 12 हुआ करती थी। किन की संख्या? रत्नियों की संख्या कितनी हुआ करती थी वैदिक काल में? 12 हुआ करती थी। अब इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो थे वो एक तो था पुरोहित। पुरोहित वो हुआ करता था जो कि अपने ज्योतिष विद्या से राजा को बताया करता था, समझाया करता था कि अब ऐसा करना चाहिए, ये अनुष्ठान करना चाहिए, ये इस प्रकार से करना चाहिए। तो ये तो राजा राजा हर बात पुरोहित की मानता था, तो सबसे महत्वपूर्ण ऑटोमेटिक ही पुरोहित हो गया। उसके बाद सैनिक, तो अपराध को जड़ से खत्म करने के पीछे लगा हुआ था सैनिक। युद्ध में काम आया करता था सैनिक। राजा ये रक्षा किया करता था सैनिक। राष्ट्र की रक्षा किया करता था सैनिक। तो सबसे महत्वपूर्ण दूसरा क्या हो गया? अपना सैनिक हो गया। यहाँ पर किसी न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है, किसी जज का नहीं, कि जज का उल्लेख नहीं किया गया है, जुडिशियल ऑफिसर का वर्णन नहीं किया गया है। कौन सी सभ्यता में? वैदिक सभ्यता में। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया कि इस समय जो जज था, जो जुडिशियल ऑफिसर था, जो न्यायिक अधिकारी था, वो कौन था? वो राजा ही था। न्याय की घोषणा कौन करता था? न्याय कौन करता था? राजा ही करता था। ठीक है, तो आज की कक्षा में अपन इतना ही अध्ययन करते हैं, बाकी अध्ययन अपन आगे कक्षा में करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस कंटेंट का फ़ायदा मिल सके, लाभ वो भी इस कंटेंट का उठा सकें। और अगर आपने पीछे की क्लासेस, पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी हमारे चैनल पर जा कर के देख लें, उनकी भी प्लेलिस्ट बाकायदा बनी हुई है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।